Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 3rd of September and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so the first news is question are dropped in Lok Sabha schedule of monsoon session. In view of the pandemic, private members' business also given a miss. The Lok Sabha Secretariat on Wednesday officially released the schedule of monsoon parliament session that starts on 14th September. 14 September से जो है monsoon session start होने जा रहा है और उसमें question hour जो है वो dropped किया जाएगा, मतलब drop किया जाएगा. इसका जो schedule है वो लोकसभा secretariat ने वेंसडे को ऑफिशियली रिलीज़ किया है. इस शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर से जो है मॉनसून पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें क्वेश्चन आवर्स जो है वो नहीं कंडक्ट होंगे. इसके अलावा अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर इन द हाउस ऑफ अधीर रंजन चौधरी हैड रिटन टू स्पीकर ओम बिरला नॉट टू curtail क्वेश्चन आवर एज इट अमाउंटेड टू एनक्रोचिंग अपॉन द मेंबर्स राइट. हर एक मेंबर का अधिकार होने की वजह से उनके ऊपर उनका अधिकार है क्वेश्चन आर का, इसलिए इस क्वेश्चन आर को जो है नहीं किया जाना चाहिए रिमूव. ये कांग्रेस लीडर व अन्य लीडर्स द्वारा बताया गया. ठीक है, नाउ इन व्यू ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक, अगर कोविड 19 पेंडेमिक के व्यू की बात की जाए तो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस यूजुअली फिक्स्ड फॉर एवरी फ्राइडे हैज़ ऑल्सो बीन स्किप्ड. प्राइवेट मेंबर्स का जो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस जो ऑलरेडी जो इंक्लूड किए जाते हैं यूजुअली फिक्स होता है फ्राइडे को, वो भी जो है स्किप किए गए हैं. तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस सिचुएशन वी कैन से बिकॉज ऑफ कोविड 19 काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट की हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक सेशन भी है हमारा पार्लियामेंट्री सेशन. इसका जो न्यू टाइम टेबल है उसका शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ. द मॉनसून सेशन विल बी डिलेड बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण मॉनसून सेशन डिले हुआ है जो कि अब 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा. ओके, 1 अक्टूबर को ख़त्म होगा. इट विल बी 18 सिटिंग्स होंगी इसके अंदर और इसमें सैटरडे और संडे को इंक्लूड होगा ये. ठीक है, सैटरडे संडे भी इंक्लूड होते हुए करीब 18 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी. लोकसभा का जो शेड्यूल रहेगा वो 9 से 1 का रहेगा 14 सितंबर को और 15 सितंबर को 3 से 7 का रहेगा. 15 सितंबर से आगे के दिनों तक, मतलब 1 अक्टूबर तक 3 से 7 का समय रहेगा जबकि 14 सितंबर को वो 9 से 1 तक का रहेगा. वहीं राज्यसभा के शेड्यूल की अगर बात करें तो 14 सितंबर को 3 से 7 रहेगा और बाकी 15 सितंबर से रेगुलरली 9 से 1 रहेगा. ठीक है, और दोनों ही 1 से 3 के बीच में बिल्कुल डिसइंफेक्टेड रहेंगे. ठीक है, द प्रपोजल टू एक्सक्लूड क्वेश्चन आवर्स इज आर्बिट्री एंड अनडेमोक्रेटिक. इट इज़ मेंबर्स प्रिविलेज एंड द वेरी लाइफ ऑफ अ सेशन. किसी भी सेशन का एक जीवंत उदाहरण होता है, जीवंत एक पोर्शन होता है, हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन आवर. और इस क्वेश्चन आवर को अगर जो है स्किप कर दिया जाता है या इस क्वेश्चन आवर को अगर बात करें कि पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कही जाती है तो अपने आप में ये एक बहुत गलत या हम कह सकते हैं नाइंसाफ़ी होगी हर उस मेंबर की जिसका अधिकार है क्वेश्चन आवर. वहीं बीजेपी के एमपी अनिल बैलूनी ने कहा कि द प्राइम सॉरी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर स्पोक टू द पार्टीज. उन्होंने पार्टी से बात की और सभी पार्टीज ने सपोर्ट करने के बाद ही इस कदम को उठाया गया है, लेकिन अब अचानक से उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर लिए. मतलब कांग्रेस के एमपी ने अपने स्टेटमेंट जो है या कांग्रेस के लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लिया है क्योंकि कांग्रेस और अदर पार्टीज इस चीज़ को अपोज कर रही है जबकि ये जो डिसीज़न लिया गया है ये सभी पार्टीज़ को मिला कर लिया गया है. ठीक है, और इसके अलावा जो अपोजिशन की पार्टीज़ है वो अपसेट नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर का होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेशन का और उसके अंदर क्वेश्चन आर को बिल्कुल ड्रॉप कर देना अपने इस सेशन में, ये अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक शो हो रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट बैन्स पबजी वीचैट वर्क 160
116 other app mobile apps. It means overall 118 apps, 118 apps जो है वो government ने ban कर दिए हैं. ये देश की Indian cyber space के basis पर अगर बात करें तो उनकी security और sovereignty पर based step है, और इस step के through PUBG, WeChat Work और उसके अलावा कई सारे apps हैं ऐसे जिनको बन कर दिया गया है. उसके बाद में उसका सबसे बड़ा reason है कि हमारे देश की security. मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ time पहले ही जो है 59 apps government द्वारा Chinese apps ban किए गए थे, और अब ये second step जो है app ban 2.0, ये अपने आप में एक बहुत ही हम कह सकते हैं शॉकिंग न्यूज़ है. काफ़ी सारे ऐप्स जो बंद हुए हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स जो रेगुलरली यूज़ आते हैं लोगों के फ़ोन में, मैं उसके बारे में लिस्ट बता देती हूँ आपको कौन कौन से सेलेक्टेड ऐप्स. PUBG, WeChat, VPN फॉर TikTok, Baidu, Alipay, CamoCR, AppLock, Gallery Vault, Hide Pictures and Videos, Cyber Hunter, Mafia City, Gallery HD, Taobao, यू डिक्शनरी, क्लीनर फोन बूस्टर एंड जी कैमरा. तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये सारे ऐप जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ये सारे ऐप क्या हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं. मेजर चाइनीज़ ऐप्स के अंदर ये सब इंक्लूड होता है, पबजी, वीचैट वर्क एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये जो अभी हमने देखी ये सब चाइनीज़ ऐप्स हैं, और इन सारे ऐप्स को फाइनली सरकार ने बंद कर दिया. मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेप जब सरकार ने उठाया था ऐप्स को बैन करने का, वो उठाया था लास्ट मंथ, जिस समय ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट मंथ आई थिंक मई की बात है ये, जिस समय चाइना ने लद्दाख के पोर्शन में गलवान वैली के एरिया के अंदर जो है हमारे क्षेत्र में, या जो आपत्तिजनक क्षेत्र है या म्यूचुअल कंसर्न क्षेत्र जो है वहाँ पे अपना कब्जा जमाया था, वहाँ पे ट्रूप्स आ गए थे, चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पे तैनात हो चुके थे. उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उनकी क्रिया पर प्रतिक्रिया जताई, और उनको रिएक्ट करते हुए हमने उनके ऐप्स को बैन कर दिया जो मैक्सिमम लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे इंडिया से. ठीक है, तो वो स्टेप उठाने के बाद में अगेन मैं आपको बताती हूँ कि परसों ही हमारे पास न्यूज़ आई है, इवन कल ही न्यूज़ आई है, कल हमने इसको डिस्कस किया है कि लद्दाख के 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज़ के अंदर जो है चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं, या चाइना अपना कब्जा कर चुका है वहाँ पे, अपने ट्रूप्स को तैनात कर चुका है. तो ये पूरी घटनाक्रम अपने आप में एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, और ये खुफिया एजेंसियों द्वारा हमें पता चली है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर एक कदम उठाया गया है 118 ऐप्स को बैन करने का. 118 ऐप्स में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, मेजर ऐप्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो सारे हैं, और इनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे स्पेशली पबजी, बहुत यंगस्टर्स में काफ़ी एक पॉपुलर जो है एक ये गेम हुआ करता है, या पॉपुलर एक आइडेंटिटी है पबजी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. मैंने देखा है ये चीज़, अपने आसपास भी देखती हूँ मैं. तो उस कंडीशन में इस ऐप का बैन होना कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है. और यहीं इसी फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट जो चल रहा है SSC रेलवेज का, जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके स्टूडेंट्स का टू गो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसको देखते हुए उनके खिलाफ जाने का, जो ये पूरा प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा SSC व रेलवे की एग्ज़ाम्स को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही है, SSC और रेलवे डिपार्टमेंट जो कि RRB और SSC डिपार्टमेंट जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवा रहे, करवा भी रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं दे रहे, रिज़ल्ट दे रहे हैं तो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है स्टूडेंट्स द्वारा. ठीक है, तो उसके बाद उसको उसी सीरीज के अंदर उसी फील्ड में अगर स्टूडेंट्स को ये झटका लगता है कि पबजी बैन हो गया तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात हो जाती है. ठीक है, बट हियर इट इज़ अ गुड थिंग दैट काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो चाइनीज या अदर कंट्रीज़ के लिए रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रैक्शन की वजह बन जाते हैं, वो सारे ऐप्स अब बैन हो चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंडिया चाइना टॉक्स एट चुशुल रिमेन इनकंक्लूसिव. चुशुल में जो बातचीत हुई कल हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही टीम के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर लेवल की टॉक्स हो रही है दोनों के बीच में और चाइना और भारत के बीच में, क्योंकि लद्दाख के जिन क्षेत्रों के अंदर ये सारा घटनाक्रम हुआ है उससे रिलेटेड ये सारा इशू जो चल रहा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स ने अपना कब्जा जमा लिया है,
उसे लेकर जो बात हो रही है उसके क्षेत्र में अगर बात करें तो कल जो बात हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो बिल्कुल इनकंक्लूसिव निकली, उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। काफ़ी अधिक मात्रा में जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर चुके हैं दोनों साइड से, और उसी के साथ में इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन एक्सीडेंटल माइन एक्सप्लोजन के एक्सीडेंट के कारण जो है इंडियन सोल्जर की मृत्यु भी हो चुकी है। द थर्ड डे ऑफ ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स जो तीसरे दिन हुई वेंसडे को, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला चुशुल में हुई इंडिया और चाइना के बीच के अंदर। और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की बात कही जा रही थी साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग टीसो जो है उसके बैंक पर जो है ये सारी सिचुएशन जो चल रही है उसे कंट्रोल में लाने की, लेकिन वो बिल्कुल इनकंक्लूसिव निकली, मतलब उसका कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं। एन आर्मी सोर्स कन्फर्म्ड, एक आर्मी के एक सोर्स से ये कन्फर्म हुआ है दैट अ सोल्जर फ्रॉम द सीक्रेटिव स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंटल माइन एक्सप्लोजन, एक्सीडेंटल जो माइन एक्सप्लोजन था उसके तहत एक SSF का सोल्जर भी मारा गया। ये एक जो है इंटरनल सोर्सेज से हमें पता चला है। एंड 30 अगस्त की बात है ये एक्सप्लोजन के अंदर उस पेट्रोलिंग एरिया में, ठीक है। तो टेंशन अभी भी चल रही है, सिचुएशंस अभी भी गंभीर है दोनों देशों के बीच में। 29 अगस्त को PLA ट्रूप्स जो है वो आगे आए, रेजांग लाग की तरफ आ गए, लेकिन दे पुश्ड बैक, उन्हें फिर से अपने स्थान पे पहुंचा दिया गया, धक्का दे दिया गया, मतलब धक्का मतलब उनको इतना जो है मजबूर कर दिया इंडियन सोल्जर्स ने कि वो पीछे अपने क्षेत्र में वापस लौट जाए। ऑन ट्यूसडे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड चाइनीज ट्रूप्स हैज एंगेज्ड इन प्रोवोकेटिव एक्शन अलोंग द डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज वंस अगेन ऑन अगस्त 31st को फिर से एक बार डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज में नज़र आए हैं चाइनीज़ ट्रूप्स, और इसके लिए ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स चल रही है। अभी तक हमें जो ऑफिशियल्स हैं उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आगे क्या सिचुएशंस हो रही है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि चाइना के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं चाइना का ओवर रूल करने की कोशिश करना है। चाइना जो ये कोशिश कर रहा है भारत को ओवर रूल करने की, भारत से भारत के क्षेत्र पर जो है टेरिटोरियल बेसिस पर भारत के क्षेत्रों को कब्जे में लाने के लिए जो कोशिश कर रहा है चाइना, वो कहीं ना कहीं अच्छा समवेयर हम वी कैन से कि ऐसा अल्टीमेटली ओनली यही रीज़न नहीं हो सकता इसके पीछे, है ना, कि किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर भूमिगत क्षेत्र को अपने अंदर में कर लेना और उसी के लिए इतना सब कुछ क्रिएट करना, ये कोई अल्टीमेट जो है रीज़न नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई डिफरेंट कुछ अल्टरनेटिव हो जिसके लिए ये सब किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आने वाले टाइम में जिस समय सारी चीज़ें ओपन होगी, सारी बातें ओपन होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच, तभी पता चल पाएगा, ठीक है। लेट गो थ्रू द फॉर द नेक्स्ट न्यूज़। ट्रंप कॉल्स प्रोटेस्ट डोमेस्टिक एरर, जो प्रोटेस्ट चलता है जो रेसिज्म को लेकर, एंटी रेसिज्म को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और ये सारी चीज़ें जो काले गोरे का भेद जो चल रहा है USA में जिसको लेकर ट्रंप की कुर्सी अभी डिगमगा रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्यूसडे को ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स और लॉज इम्पोज किए और ये कहा कि इन सारी सिचुएशंस को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है और इस तरह की सिचुएशन कंट्रोल कर दो कि बाय जो ब्लैक मैन जो है जिसे पुलिस ने शूट किया था और शूटिंग के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रोल्ड ऑन, तो उन सारी कंडीशन के तहत एंटी रेसिज्म जो रिसेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको एक डोमेस्टिक टेरर बताया है किसने, ट्रंप का ये कहना है टेररिज्म इज स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड बट हेयर आई कैन से दैट इन माई कंट्री डोमेस्टिक टेरर इज गोइंग ऑन। ये जो घर के अंदर जो घटनाएं चल रही है या ये जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये अपने आप में दंगे फैलाने की एक साजिश है और दंगे फैलाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में दी गई हैं, ठीक है। विस्कॉन्सिन्स गवर्नर एंड कैनोशाज मेयर बोथ डेमोक्रेट्स
had urged Mr. Trump not to visit, but he ignored and their pleas, and Mr. Biden has accused him of deliberately fomenting violence for political gain. Okay, तो ये सारी situations already देखिए, political situations भी US की काफ़ी ख़राब है, और अगर बात करें democratic situations की तो वो भी काफ़ी ख़राब है. यहाँ जहाँ पे ट्रंप और जो बिडन के बीच की जंग चल रही है, पॉलिटिकल जंग या ये जो इलेक्शंस को लेकर जो जंग चल रही है, वो सब तो एक तरफ है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर एंटी रेसिज्म को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, एंड ट्रंप कॉल्स दीज प्रोटेस्ट अ डोमेस्टिक टेरर एट ऑल. ओके, the next is economic growth will return positive by Q1 of next year ke quarter 1 ke तहत economic growth fir se apne positive aspect mein aa jayegi, jo ki abhi minus mein chal rahi hai, 9% 24% to minus mein ja rahi hai. वो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल के अंदर 2021 के तहत पहले क्वार्टर के अंदर अगेन अपने रूटीन या नॉर्मल स्टेटस के अंदर आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव सेंस में आ जाएगी. रिफॉर्म्स विल हेल्प टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी. जो अगर हम रिफॉर्म्स करते हैं तो ये रिफॉर्म्स हमारी मदद करेंगे कि हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर लें, ऐसा कहना है EACPM मेंबर नीलेश शाहद का. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम इनटू पॉजिटिव टेरिटरी ओनली बाय मार्च और जून क्वार्टर. अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉजिटिव सेंस में आने की बात हम नहीं कर सकते. जो -24 में चल रही है उसे पॉजिटिव सेंस में लाने के लिए ये श्योरिटी है कि हमें नेक्स्ट मार्च से जून के बीच के वक्त का इंतज़ार करना होगा. बट इंडिया विल हैव टू टर्न दी क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. लेकिन इंडिया को इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा, और इस तरीके के रिफॉर्म शो करने होंगे जिससे कि उससे भी जल्दी, जितना अंदाज़ा हम लगा रहे हैं उससे जल्दी जो है ये अपने ट्रैक पर आ जाए इकोनॉमी. और ये जो क्वार्टर वन की हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट तब तक तो अगर इकोनॉमी को लेकर आना है अपने ट्रैक पे पॉजिटिव सेंस में, तो हमें इस तरीके से काम करना होगा कि हमें सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी होगी. ठीक है, यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर दी गई है. ठीक है, मतलब हमें रिफॉर्म्स की नीड है. यदि हम रिफॉर्म्स करते हैं तो आने वाले टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के तहत फिर से अपने ट्रैक पर ला सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ अनअकैडमी. काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है. UPSC का कोई एस्पिरेंट नहीं है जो अनअकैडमी से अनटच्ड है. कहीं ना कहीं कभी ना कभी अनअकैडमी के बारे में सुना है, उसके मेंबर्स हैं, उसने अपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी है. काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी वेल नोन प्लेटफॉर्म है ये. अनअकैडमी गेट्स $150 million इन सॉफ्ट बैंक लेड राउंड. डील वैल्यूज एड्यूटेक फर्म एट $1.45 billion. एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी ने जो है $150 million के करीब जो है सॉफ्ट बैंक रीजन के अंदर फंड रेज किया है, वैल्यूइंग दी कंपनी एट $1.45 billion. कंपनी की वैल्यू $1.45 billion है, वहीं पे $150 million जो है उन्होंने फ़ंड रेज किया है. ठीक है, विजन फंड, सॉफ्टवेयर विजन फंड के द्वारा. उसके अलावा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है जनरल अटलांटिक, स्कोया कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, फेसबुक एंड ब्लूम वेंचर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द राउंड एंड इट एडेड. ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं, और फाइनल क्लोजिंग वॉज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर फाइनल क्लोजिंग भी एक्सपेक्ट की जा रही है. बाय ब्रिंगिंग क्वालिटी एजुकेशन टू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट टाइम, अनअकैडमी इज ब्रिजिंग द प्रिविलेज गैप इन इंडिया, सेड मुनीश कुमार. मुनीश कुमार जो कि मैनेजिंग पार्टनर है सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के, उनका ये कहना है कि अनअकैडमी जो है वो अपने आप में बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता हुआ वास्ट लेवल पे स्टूडेंट नेटवर्किंग को. पहली बार हमने ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जिसने इस स्तर पे जो है अपने सारे के सारे
स्टूडेंट्स को, पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स को एक ला करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है, वास्ट लेवल पे स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, ठीक है। और प्रिविलेज गैप जो है इंडिया में देखा जा रहा है, अनअकैडमी अपने आप में एक प्रिविलेज गैप की तरह सामने आया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज चाइना यूजिंग नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स टू एक्सपांड इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए चाइना जो है वो नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स को यूज़ कर रहा है। पेंटागन रिपोर्ट सेज, पेंटागन की रिपोर्ट्स का कहना है कि इट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड ओवरसीज बेसिस, वो अपने आप को जो है अपने क्षेत्र से बाहर जाकर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक एनुअल रिपोर्ट जो यूएस डिपार्टमेंट से मिलती है, यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस कांग्रेस ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसमें ये बताया जाता है कि चाइनीज़ लीडर्स जो है वो अपने आप को जो है बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ये सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। साइटिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया और भूटान के, उनको एक एग्जाम्पल के रूप में भी उन्होंने पेश किया। द रिपोर्ट ऑल्सो से, इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि चाइना जो है वो अपने आप में खुद को स्ट्रॉन्गर बताते हुए अपनी स्ट्रॉन्गनेस के बेसिस पर खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। PLA जो है वो खुद को मिलिट्री पावर के बेसिस पर खुद को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो कंट्रीज़ इस चीज़ को समझती है या जो चीज़ें मतलब हम कह सकते हैं वर्ल्ड के पावरफुल नेशंस में आने वाले US की डेमोक्रेसी जो समझ सकती है या US की गवर्नमेंट जो समझ सकती है, वो बेसिकली और कोई कंट्री या अच्छा और कोई कंट्री भी अगर समझ सकती है तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं US से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये US डिपार्टमेंट का जो है कॉन्सेप्ट है, US डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आया है कि चाइना जो है वो अपने नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स को यूज़ कर रही है जो कि उसको खुद को एक्सपांड करने, खुद के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसा उसका सोचना है। तो चाइना कहीं ना कहीं नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स को यूज़ कर रही है जो कि एक वैलिड चीज़ नहीं है, बट उसके बाद भी खुद को एक्सपांड करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है। सो अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया शुड गो फॉर इट एंड शुड बिहेव अकॉर्डिंगली, ओके। द नेक्स्ट इज डिसेंट एंड डिटेंशन, अलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन डॉक्टर काफिल खान जो है उनके डिटेंशन को की बात की है। काफिल खान डिटेंशन एक्सपोजेस स्टेट प्रोसिक्यूशन, स्टेट प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपोज किया है और उनके इनका जो पूरा डिटेंशन है उसके बारे में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्कस किया है। If ever any evidence was needed that Dr. Khalif, a government doctor from Gorakhpur, has been a victim of state persecution, अगर किसी तरह का कोई evidence की ज़रूरत होती है जो कि Dr. Khalif को government doctor, जो कि government doctor है गोरखपुर के, वो एक जो है हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ स्टेट प्रोसिक्यूशन, स्टेट प्रोसिक्यूशन के विक्टिम है वो, तो अलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसे प्रोवाइड करवाइए जिससे कि वो उसके ऊपर कार्य कर सके। इट्स 42 पेज का ऑर्डर आया और मैलिफिक मैनर्स के अंदर डॉक्टर जो है उसने डिटेन करने की कोशिश की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, NSA के तहत 30 February को। शॉर्टली आफ्टर ही वॉज ग्रांटेड बेल, उसके बाद उन्हें बेल दे दी गई जल्द ही, और इस केस के तहत जल्दी ही बेल मिल जाने के बाद डॉक्टर खान को सस्पेंड कर दिया गया 2016-17 में आफ्टर सिवियर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर की सिवियर शॉर्टेज हो जाने के कारण जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया। टुक अ डेडली टोल अमंग चिल्ड्रन एडमिटेड टू दी इस हॉस्पिटल के तहत गोरखपुर में जो राघवदास मेडिकल हॉस्पिटल है बाबा राघवदास, वहाँ पे जो चिल्ड्रन एडमिट थे उनके लिए एक मुसीबत की घंटी बनकर सामने आया। काफ़ी बच्चों की जान भी गई और वार्ड में आग लग गई थी, किसके कारण, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, और उसमें इनका जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर जो है वो शो होता है। वॉज डीज इन्फ्लेमेटरी वीक्स आफ्टर ही हैड मेड इट, द हाई कोर्ट हैज नाउ फाउंड। और जो अच्छा बेसिकली CAA को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अंदर भी डॉक्टर काफिल खान जो है उनका काफ़ी बड़ा रोल हाथ माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, अलाहाबाद हाई कोर्ट जो है
कफील खान के खिलाफ जो है कार्यवाही को लेकर चर्चा कर रही है। लेट्स सी इसके बारे में क्या सारी डिस्कशन सामने आती है, क्या मुद्दा है और असल में इस पर हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है और इसके अंदर किस लेवल पे जिम्मेदार है कफील खान। ओके, द केस ऑफ डॉक्टर खान इज पुअर एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल। ये जो कफील खान है ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल की बात की जाए तो उसके लिए पुअर एडवर्टाइजमेंट है उसका। एंड या ओके, फॉर इट ब्रिंग्स टू लाइट इट्स इन प्रोपेंसिटी ऑफ क्रिमिनलाइज डिसेंट एंड सिंगल आउट इंडिविजुअल्स फॉर प्रोसिक्यूशन एंड डिस्प्ले जनरल डिसरिगार्ड फॉर बेसिक राइट्स। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज ग्रिम सोवरेन टेंगल। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डॉक्टर कफील खान से रिलेटेड पूरा इशू और इसके अंदर अब हाईकोर्ट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या डिसीजन हाईकोर्ट ले सकता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज ग्रिम सोवरेन टेंगल। जीएसटी रिफॉर्म शुड नॉट फॉल विक्टिम टू द मस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपेंसेशन स्टैंड ऑफ 3 ईयर आफ्टर इंडियाज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन। जीएसटी जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन दिया जा रहा है। वन नेशन वन टैक्स से रिलेटेड जो स्लोगन इंट्रोड्यूस किया गया था उसके करीब एक साल तीन साल बाद की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद जीएसटी का अपने आप में जो है एक जो रिफॉर्म आया था हमारे सामने उससे रिलेटेड यहाँ डिस्कशन की जा रही है और इसको इट शुड नॉट फॉल विक्टिम टू द मस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपनसेशन दैट विल बी स्टैंड ऑफ। ओके, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द निर्मला सीतारमन, द जीएसटीज, जीडीपीज एंड ऑल दीज कंडीशन विच आर गोइंग डाउन। ओके, एंड उसी को इकोनॉमिक क्राइसिस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्योंकि अब मैं अगर इसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज मुझे इकोनॉमिक का बिकॉज आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ तो डेफिनेटली आधा घंटा एक टॉपिक ले लेगा और ये टॉपिक भी ऐसा ही है। ओके, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, आप खुद से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इस टॉपिक के अंदर जीएसटी से रिलेटेड क्या रिजाइम शो किए गए हैं, ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड क्या इशू है और फिनेंस मिनिस्टर के क्या रिएक्शंस है इसके ऊपर और कैसे रिएक्शंस को इम्पोज किया गया है, कैसे उसे अपोज किया जाना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है इंडियन आर्मी के अंदर जो करियर पाथ है उस पर डिस्कस किया जा रहा है। अभी रिसेंटली गर्ल्स को लेकर जो है एक डिस्कशन सामने आया था, एक इशू सामने आया था, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के जो लॉन्ग बैटल लड़ी है उसके ऊपर विक्ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। विद द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर्स जो है उनके लिए परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया गया है इंडियन आर्मी के तहत और अब नज़र आ रहा है एक क्लियर पाथ ऑफ करियर। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि कैसे जो है स्ट्रगल चला, कितने सालों तक चला, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, कब कब हुए, ये सारी चीज़ें बताई गई है। जजमेंट का इम्प्लिकेशन कैसे हुआ, इसके अलावा वारफेयर इन चेंजिंग जो चेंज आए हैं उसके अंदर क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, आगे दूर दराज तक अगर नज़र घुमाएँ तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया। सो ओवरऑल जो बैटल थी जो कि लड़के और लड़कियों की एक्चुअली लड़कियों की चल रही थी इंडियन आर्मी से क्योंकि लड़कियों को जो है एक परमानेंट कमीशन प्रोवाइड नहीं करवाया गया था इंडियन आर्मी के तहत, है ना, और रिसेंटली काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद फाइनली जो है इंडियन आर्मी ने हमें एक परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करवा दिया है और उसी से रिलेटेड डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में दिया गया है कि उसके लिए क्या क्या जंग लड़ी है, कौन कौन से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल किए हैं, क्या क्या इश्यूज हैंडल किए हैं और क्या क्या मुद्दे सामने नज़र आए हमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। होप यू गॉट इट एंड यू विल गो फॉर इट। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा ये जो लॉन्ग बैटल वाली बात है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर्मी इंडियन आर्मी के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कितने सालों से, क्या टाइमलाइन क्या रही उसकी,
कौन कौन से जो है स्ट्रगल्स हम गर्ल्स ने किए हैं इस चीज़ के लिए वुमेन ने, और इससे आगे क्या होंगे और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अभी तक के और आगे क्या रहेंगे, और इस अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या चेंजेस देखे गए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक अलग से डिफरेंट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी जैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and do join our telegram channel that is achieveis@mandala.com. okay, and www.achieveis.co.in ये हमारी वेबसाइट है और इसके ऊपर ज़रूर जाइए, इसके ऊपर सारी चीज़ों को आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, और काफ़ी ब्लॉग्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं. ठीक है, इसके अलावा कोई इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली वी विल गो थ्रू टू सॉल्व इट. बाय बाय, टेक केयर.